चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भोपा बाजार चौराहा पर 25 मार्च को जाम लगाकर उपद्रव व पुलिस बल पर पथराव व गाड़ियों की तोड़फोड़ करने वाले अभियुक्तों के ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाएगी, जिसके संबंध में 25 मार्च को जिन भी लोगों ने चौरी चौरा में कानून व्यवस्था को प्रभावित किया था व पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की थी और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाया था, उनको वीडियो कैमरा व CCTV कैमरों के माध्यम से चिन्हित किया गया है, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी है। उन्होंने कहा, इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और चिन्हित करके उन अभियुक्तों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि इससे पहले जिन लोगों ने कोई घटना किया हो उन लोगों पर गैंगस्टर लगाकर उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जो जितने कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोग हैं उनको जो वीडियो कैमरा और CCTV कैमरा जो वहाँ लगे थे उसमें चिन्हित किया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तारी हुई है, शेष लोगों की गिरफ्तारी प्रक्रियाधीन है और पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और चिन्हित करते हुए उन पर रासुका की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में जो जिन्होंने घटना की है और पुनः इस तरह की हरकत की है उनको गैंगस्टर लगा के उनके मकान भी कुर्क किए जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।